नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल दिनेश यूट्यूब चैनल। सुगाच यदि आप भी अपने मैसेज स्क्रीन पर अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बट उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस तरह से आप भी इस तरह का फ़ोटो अपनी मैसेज स्क्रीन पर लगा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल दिनेश को और दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि नॉलेजबल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है मैसेज कलर फॉर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके साथ काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन आ जाएंगे, लेकिन आपको यह जो न्यू मैसेंजर 2019 आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। 4.5 की रेटिंग है और काफ़ी अच्छा है एप्लीकेशन है। तो मैं इसको अनइंस्टॉल करके फिर आपके सामने इसको डाउनलोड करता हूँ। दोस्तों यह डाउनलोड हो चुका, अब आपको ओपन करना है। ओपन किस ऑप्शन पर करना है क्लिक, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ टाइम लेगा लोड होने के लिए, और आपके सामने इस तरह का इसका जो इंटरफेस है शो हो जाएगा। तो आपको इस ओके पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जब हम दोस्तों इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको परमिशन देना है और एस पर सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे और फिर से ओके करोगे तो आपके सामने कुछ इसका जो इंटरफेस कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको यह जो सेटिंग का जो आइकन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों थीम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी दोस्तों यदि आप थीम में चाहो तो अपने मैसेजिंग पर कुछ इस प्रकार से थीम लगा सकते हो। जिससे और जैसे ही आप इस थीम पर क्लिक करोगे आपके सामने नीचे अप्लाई का ऑप्शन आएगा। जब आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो यह जो थीम है दोस्तों इस तरह से आपके मैसेजिंग पर लग जाएगी, और काफ़ी अच्छी है लग रही है। और यदि आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर से इस सेटिंग वाले आइकन पर करना है क्लिक। जब हम इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको जो बैकग्राउंड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली बैकग्राउंड के इस ऑप्शन पर करना है क्लिक। और उसके बाद दोस्तों इस आइकन पर, गैलरी के इस आइकन पर आपको करना है क्लिक। जब हम इस आइकन पर करेंगे क्लिक तो आप अपने मोबाइल कैमरे में जो भी आपके फ़ोटो रहेंगे वह सारी शो हो जाएंगे, और नहीं हो रही तो इस थ्री डॉट पर आपको क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आपको इमेज में चले जाना है, और यहाँ से दोस्तों आप सेलेक्ट कर लेना कैमरे पिक्चर वॉलपेपर से जहाँ पर भी आपने इमेज रखा है वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना। तो उसके फ़िलहाल के लिए दोस्तों मेरे पास है इमेज है, तो मैं इस इमेज को आपको लगाकर बता देता हूं। तो मैं इस इमेज को लगाऊं, इसके लिए इस इमेज पर एक बार करना है आपको क्लिक। जब हम एक बार इस पर करेंगे क्लिक तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आप इस इमेज को दोस्तों सही आपके हिसाब से करके लगा देना। आप चाहो दोस्तों इसको कम ज़्यादा इधर उधर भी कर सकते। तो जब यह प्रोफेशनल तरीके से लग जाए तो आपको क्या करना है, यह जो सही का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको एक बार कर देना है टिक। वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, यानी दोस्तों ये ब्लर हो जाएगा। तो आपको यह जो लाइन दिखाई दे रहा है इसको जीरो कर देना, यानी दोस्तों इसको इधर पर कर देना, और इस सेकंड वाली लाइन को भी कुछ ऐसा कर देना है लास्ट में। उसके बाद नीचे जो आपको अप्लाई का यह ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप सिंपल इस पर कर देना क्लिक। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह ऐड आ गया, इसको नो थैंक्स पर कर देना है। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ देर बाद इसकी जो इमेज है दोस्तों लोड होकर लग जाएगी। तो जब तक मैं इस, तो आप देख सकते हैं यह लोड होकर हमारे सामने आ चुकी, और काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद दोस्तों इसकी और भी जो सेटिंग है आप देख लेना। जब आप इस सेटिंग किस आइकन पर करोगे क्लिक और क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहो दोस्तों टेक्स्ट के कलर भी बदल सकते हैं, तो उसके लिए आपको यह इस ऑप्शन पर करना है क्लिक बबल्स के। और आप देख सकते हैं ऐड आने के बाद नो थैंक्स कर देना है, और यहाँ से आप अपने मैसेंजर का कलर बदल सकते हैं। तो इसमें आपको इस पर करना है क्लिक, और जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से किसी एक कलर को चूज़ कर लेना। जब आप कलर चूज़ करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा यह बैकग्राउंड का जो कलर है।
उसके बाद दोस्तों आपको इस कट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यानी दोस्तों यह सिलेक्ट हो चुका है, और सेव के इस नीचे वाला आइकन पर करना है क्लिक, यानी यह सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ जरूर से ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, जब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।